पन्ना जिले के पत्रकारों ने सीधी में पत्रकारों के साथ हुए अमानवीय कृत्य और दुर्व्यवहार के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों ने एक स्वर में कहा कि भारत में चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को सीधी जिले की पुलिस ने जिस तरह ताड़ित किया जाता है वह बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा कृत्य करने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाना चाहिए, जिससे आगे भविष्य में ऐसा घटनाक्रम दोबारा घटित न हो। पत्रकारों ने कहा कि सीधी में पत्रकारों के साथ हुए घटनाक्रम पर अगर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं होती है तो पूरे मध्य प्रदेश के पत्रकार एकजुट होकर आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। इसमें इस घृणित कृत्य की हम निंदा करते हैं, साथ ही जो भी पुलिसकर्मियों द्वारा इस प्रकार का कानून से हटकर काम किया है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। सीधी में जो हमारे पत्रकार साथियों के साथ जो वहां की पुलिस ने जो अमानवीय व्यवहार किया है, इससे पुलिस का आतंकी चेहरा सामने आया है और इस चेहरा जो आतंकी चेहरा सामने आया है उसकी आज हम यहाँ निंदा करने आए हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम सारे पत्रकारों ने ज्ञापन सौंप के मांग की है कि ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर जो है उनके ऊपर बर्खास्त की कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको इतना दंड दिया जाए कि भविष्य में वो देश के जो चौथा स्तंभ कहलाता है पत्रकार, जो जनता की सेवा करता है, उसके साथ कभी इस तरीके के कृत्य वो ना कर सके। पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।